आ गई बहन की याद इतने दिन बाद, कहाँ गायब थी? अरे आप ही क्या बताऊँ आपको, यहाँ मेरी सास के काम ही इतने होते हैं कि उन्हीं में लगी रहती हूँ सारा दिन। खैर छोड़ें, आप बताएं कैसी हैं, सब खैर है ना वहाँ पे? अरे कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ तो। यहाँ ठीक हो कैसे सकता है सब कुछ? मुझे कमरे में कैदियों की तरह बंद कर दिया है सारे, बेड के बाहर खाना खाते हैं और मैं यहाँ पड़ी रहती हूँ। इतनी बुरी हालत है मेरी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्या मतलब आप भी, क्या आपके मसले अभी तक तो ख़त्म नहीं हुए? इतनी आसानी से मसले खत्म होते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं मुझे आलिया। पता नहीं इस उम्र में अम्मा को किस बात की अकड़ है। जिस दिन मुझे मौका मिला ना उस दिन कैसी बातें कर रही हैं आप भी। आप अल्लाह अल्लाह करके तो आपके ख्वाब पूरे हुए हैं, अगर थोड़ी मुश्किलें आ भी रही हैं तो बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ आलिया अभी तक सब कुछ। आप ही, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि हबीब की माँ का दिल जीतने की कोशिश करें। अगर आपने उनके दिल में जगह बना ली हो तो आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। कोई मुश्किलें ख़त्म नहीं होंगी इस तरह आलिया, सब समझ आ गया है मुझे। उनकी लाख आयशा से नहीं बनती हूँ, लेकिन दिल से बहू उसी को तस्लीम करती हैं। माँ समीना और आयशा ने मिलके किचन पे कब्जा जमाया हुआ है, बाकी पूरे घर में अम्मा का राज चलता है। रहे फाखर और रहनी, वो तो शहजादा शहजादी बन के घूम रहे हैं घर में, बस मेरी कोई औकात नहीं है इस घर में। अच्छा आप भी, आप अपना दिल छोटा नहीं कर रहे हैं, देखना एक दिन आप भी ना अपने पाँव जमा लेंगी उस घर में। इतना वक्त नहीं है मेरे पास आलिया कि मैं अपने कदम जमने का इंतजार करूं, मुझे खुद ही कुछ करना होगा अपने लिए, और मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। आप ही, आपकी बातें सुन के ना मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। जो भी कदम उठाइएगा सोच समझ के उठाइएगा, कहीं अपने लिए मुश्किल नहीं खड़ी कर लेना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि इन लोगों के साथ क्या करना है। अच्छा आप ही चले, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, जमशेद आ गए, मैं ज़रा उनको देख लूँ। ठीक है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।